जय श्री राधे। वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हैं। मित्रों, आपका पहला प्रश्न है, नाम है विजय। यह जन्म तारीख है 26 जुलाई 1991। समय है 5 बजे शाम को, मंडी हिमाचल प्रदेश। इनका प्रश्न है कि गुरुजी, अगर इस कुंडली में मैंने राहु को बल दिया तो क्या वे मुझे नुकसान नहीं करेगा? इससे अच्छा क्या मैं बृहस्पति और सूर्य को बल ना दूं, क्योंकि ये मेरे लग्नेश और भाग्येश हैं। क्या कुंडली का सारा कंट्रोल राहु के पास है, उसी को मजबूत करना होगा तभी वो अच्छा फल देगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या राहु को गोमेद के द्वारा मजबूत किया जा सकता है। अगर मैंने बृहस्पति को मजबूत कर लूं तो राहु अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि वह धनु राशि में है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ऐसा विजय जी का प्रश्न है। इनका जन्म जो है पूर्णिमा शुक्रवार उत्तराषाढ़ नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है और 27 अक्टूबर 2020 तक यह बुध की अंतरदशा रहेगी। साथ में संकटा योगिनी भी चल रहा है। शनि की 7:30 भी प्रारंभ है। तो ध्यान दें, राहु धनु लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। तो धनु लग्न पे इस समय शनि भी गोचर कर रहे हैं राहु के ऊपर लग्न पे, और वहीं पे केतु भी गोचर कर रहा है। तो प्रयत्न करें कि आप लग्नेश है गुरु, लग्नेश गुरु उच्चस्थ होकर के अष्टम भाव में कर्क राशि में जाके बैठा हुआ है। तो यहां पे हम पुखराज को धारण नहीं कर सकते। साथ में हमें ध्यान रखना है कि हम गोमेद को धारण करें, नहीं गोमेद भी धारण न करिए। अगर गोमेद को धारण करना है तो मध्यमा अंगुली में पहनना है चांदी में, और नीचे जो है जैसे सभी रत्न स्किन को स्पर्श करते हैं, तो प्रयत्न करें कि यह चमड़ी को स्पर्श न करे। इस ढंग से इसका निर्माण कराएं, यानी नीचे से पूरा पैक रहे, ऊपर केवल रत्न खुला रहे। या अगर मुझे राहु से अच्छे फलों की प्राप्ति करनी है तो ऐसे पुरुष राशि में, और कहा भी जाता है कि राहु स्त्री राशि में ही अच्छा फल देता है। लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न सदृश यह फल करेगा, तो कर तो रहा है, आपको अच्छा करेगा, क्योंकि इस समय राहु की महादशा भी आपको चली है, लगी हुई है। तो राहु की महादशा जो है यह आपको 28 अप्रैल 2010 से लगा हुआ है और 27 अप्रैल 2028 तक रहेगा। राहु में इस समय बुध की अंतरदशा चल रही है। राहु में बुध जो है, ध्यान देना है कि राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा वह अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सप्तमेश भी है और बुध दशमेश भी है और अपने से नवम भाव में बैठा हुआ है। तो हम उसके ऊपर प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही बात बताएंगे कि आप गोमेद या कोई रत्न पहनने की अपेक्षा विजय जी आप भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ प्रतिदिन करें, और हो सके तो बुधवार के दिन कुत्ते को, बिल्ली को या किसी भी जीव जंतु को आप खाने का पदार्थ दें। प्रयत्न करें कि आप मछली, अंडा इत्यादि का सेवन या पंखे वाले कोई भी जीव की हत्या कदापि न करें। आपको यह राहु निश्चित ही उन्नति देगा और सफलता देगा। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि शनि की 7:30 का प्रारंभ है। हो सके तो आप 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष सदैव धारण करके रखें। फिर ध्यान दें, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें और हनुमान चालीसा का। रत्न के अपेक्षा
आप उपासना पे जाए, आपको सब सद्य ही प्राप्त होगा अच्छे ढंग से। दूसरा प्रश्न है, उनका कथन है कि नाम उन्होंने नहीं लिखा है, अपना जन्म डेट लिखा हुआ है, 27 अक्टूबर 1991 रात को 8 बजे दरभंगा बिहार से। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी मैं कौन सा रोजगार कर सकता हूं। तो रविवार कृष्ण पक्ष पंचमी मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदाइश है और गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। सिद्धा में भद्रिका और भद्रिका में संकटा, समय अच्छा नहीं चल रहा है। ध्यान दें, यह शुक्र की अंतरदशा 19 जुलाई 2021 तक चलेगा, तो आप प्रयत्न करें कि नौकरी न करते हुए आप नौकरी करें, व्यापार के क्षेत्र में न जाएं, अन्यथा आप केवल नुकसान करेंगे। व्यापार के लिए पहला तो कार्य है कि आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण करना चाहिए। आप बड़े जल्दी हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे और डबल माइंड हैं। आप कटु सत्य बोलते हैं, यह सही है, ठीक है कि आप कटु सत्य बोलते हैं, यह अच्छा होना चाहिए, परंतु व्यापार के उद्देश्य से ऐसी विचारधाराएं ठीक नहीं है। तो हमारे तरफ से निर्देश यह होगा कि आप नौकरी करें तो सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। जुलाई 2021 के बाद आप फिर सोच सकते हैं कि हम व्यापार करें या न करें। तीसरा प्रश्न है अनूप ठाकुर का, 11 जुलाई 1993 10 बजे बैरकपुर पश्चिम बंगाल। इनका प्रश्न है कि नमस्कार गुरुजी, मुझे गवर्नमेंट सर्विस कब तक मिल सकती है? मेरे शुक्र और केतु नवे भाव में बैठे हुए हैं, इसका कोई बुरा प्रभाव रहेगा क्या? कृपया उपाय बताएं। तो मित्रों, इनका जन्म रविवार कृष्ण पक्ष सप्तमी रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में, शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, 22 मई 2017 से लगा हुआ है और 21 सितंबर 2020 तक चलेगा। इस समय शुक्र की अंतरदशा में शनि की प्रत्यंतर दशा है और संकटा योगिनी की प्रत्यंतर दशा चल रही है 16 सितंबर 2019 तक। तो मित्रों ध्यान दें कि इनको निश्चित ही सरकारी नौकरी उपलब्ध होगी और समय इनके अनुकूल चल रहा है। यह सितंबर 2020 के अंदर ही इनको मिलेगा। यह मेहनत करें और आगे बढ़ने की चेष्टा करें, सफलता इनके कदम चूमेगी। चौथा प्रश्न है कि शंकर लाल जी का, इनका प्रश्न है कि शंकर लाल जी 1 मई 1998 को पैदा हुए हैं, 10:30 रात को, जगह है महासमुंद छत्तीसगढ़ में। इनका प्रश्न है कि गुरुजी कपड़े का बिजनेस करता हूं जो ठीक से चल नहीं रहा है, क्या काम करूं, कृपया उपाय बताएं। तो ध्यान दें कि शुक्रवार शुक्ल पक्ष खष्टी पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में पैदाइश है, प्रथमतः इनको तो काल सर्प दोष की पहले शांति करा लेनी चाहिए। साथ में शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और यह 25 जून 2019 से प्रारंभ है, 1 मई 2022 तक चलेगा और सिद्धा में संकटा चल रहा है 20 अगस्त 2018 से, तो 10 मार्च 2020 तक ये रहेगा। ध्यान दें कि यह समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, जैसा समय निकल रहा है धीरे धीरे निकालिए, बहुत अच्छा नहीं चलेगा। आपका जो समय है वह अगस्त 2018 से ठीक नहीं चल रहा है, आपको लगेगा ठीक हो जाएगा परंतु नहीं, और यह स्थिति आपको मई 2022 तक झेलनी पड़ेगी। इस समय आपको चाहिए कि आप भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्राम भ्रेम भ्राम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें
और चलते फिरते। साथ में प्रयत्न करें कि सफेद चंदन की माला में आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे राहु को शांति भी मिलेगी और आपको भी लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन नॉन वेज की कोई भी वस्तु न ग्रहण करें। 5वां प्रश्न है मनन बत्रा, इन्होंने कहा है, ये अपने बेटी के लिए प्रश्न कर रहे हैं, तो इनका है कि इनकी बेटी का जन्म जो है 12 दिसंबर 2008 को है, समय है 11:30 AM जबलपुर मध्य प्रदेश। इनका कहना है कि गुरुजी इसका भविष्य और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छे स्वास्थ्य और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए कृपया उपाय बताएं। इनका जन्म है शुक्रवार पूर्णिमा के दिन रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, योनि सर्प की है, तो इनको पहला तो कार्य है कि इनके जन्मपत्री में काल सर्प दोष भी है, ठीक है। चंद्रमा उच्चस्थ है वृषभ राशि का और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो भी इन्हें काल सर्प दोष का शांति शमन जरूर करा लेना चाहिए। साथ में ध्यान दें कि राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है, 31 मार्च 2018 से प्रारंभ है और 12 दिसंबर 2020 तक रहेगा। राहु की अंतरदशा जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है और नहीं अच्छा चल रहा है। साथ में इस समय इनको बुध की प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, वह ठीक नहीं है, बुध अस्त है। साथ में मंगल बुध अस्त होने पर चंद्रमा पर राहु की शनि की दृष्टि है, मंगल केतु से शनि से पीड़ित है, तो रक्त संबंधी जो कारक हैं मंगल और चंद्रमा ये दोनों पीड़ित हैं, स्किन संबंधी बुध अस्त है, तो प्रयत्न करें कि खान पान में परिवर्तन करें। काल सर्प दोष की शांति कराने के बाद बच्चे को स्किन से कम पहले खून को साफ करने की दवा आयुर्वेद डॉक्टर से मिलकर के दिलाएं, आयुर्वेद इनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा, और हो सके तो इन्हें पेट साफ हो ऐसी दवा और शाम के समय दिमाग से या शरीर से इतना थका दें कि ये थोड़ा जल्दी सोना चालू कर दें, जिससे इसका भोजन पचना प्रारंभ हो जाए। जब भोजन पचना प्रारंभ होगा और सोना चालू कर देगी तो निश्चित याद रखिए कि त्वचा संबंधी समस्या से भी निजात मिलेगी और अच्छी हो जाएगी। और यह दिसंबर 20 तक इनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब में आप सब आते ही हैं और आप सबके प्रश्न किए हुए प्रश्नों का हम 5 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हम हर हफ्ते आपको उत्तर देते हैं और हम 5 ही प्रश्न का चयन करते हैं, तो जो भी आपको प्रश्न है, जो भी आपकी शंका है, उसे भी आप बता सकते हैं। और जिस विषय पे, ज्योतिष से संबंधित विषय पे आपको वीडियो चाहिए, वह भी हम प्रयत्न करेंगे आपके अनुकूल देने के लिए। जय श्री राधे।